इससे टूटा और इस पूरे मूवमेंट को की जो हौसला अफजाई होती है वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है। और वो आज के दिन भारत सरकार जो इस शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद करने पर आमादा है, ऐसी सरकार के लिए भी ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक अकेला नहीं है, सिर्फ अपने सेल्फिश मांगों पर अपनी लड़ाइयां नहीं लड़ रहा है। जब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कर्मचारी भाइयों के साथ यूनाइटेड तरीके से, हमने जब जब शिक्षा व्यवस्था पर बुनियादी सवाल खड़े किए हैं, तब तक कोई भी, चाहे सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, ऐसे सरकारों को मात मिली है। इनको अपने जो नापाक इरादे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन के मंसूबे हैं, इन मंसूबों को अंजाम देने से इनको पीछे हटना पड़ा है। और आज भी मुझे ये बिल्कुल कन्विक्शन है कि इसी तरीके से अगर टूटा का आंदोलन स्टूडेंट्स को लेकर, कर्मचारियों को लेकर आगे बढ़ता रहा तो अल्टीमेटली विजय हमारी होनी है। और अल्टीमेटली ये जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के मंसूबे हैं ये नाकामयाब होने वाले। मैं टूटा की भी दाद देना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त संघर्ष, अनुकूल परिस्थितियों के होने के बावजूद इतना जबरदस्त संघर्ष टूटा ने चलाया है, जिसके वजह से ये जो ऑटोनॉमी का एजेंडा नीति आयोग से होकर MHRD और UGC के थ्रू हम तक थोपा जा रहा था, आज इस ऑटोनॉमी के एजेंडा पर एक चुनौती मिली है सरकार को। सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है। हालांकि ये एक टेम्पररी रिप्रीव है, लेकिन इसको महज टेम्पररी रिप्रीव के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये गलत होगा। ये टूटा के आंदोलन का एक पड़ाव जो हमने हासिल किया है सक्सेसफुली, उसका एक इंडिकेशन इससे मिलता है कि आज जो दो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया था कि इसमें कमर्शियलाइजेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, सेंट स्टीवेंस कॉलेज और हिंदू कॉलेज, इन पर सरकार को पीछे हटना पड़ा है। ये टूटा के संघर्ष का नतीजा है। लेकिन मैं कौशल पवार, जिसने रिजर्वेशन रोस्टर पर एक फोकस लाने वाली बात की है, कौशल पवार की बात से भी मैं 100% अग्रीमेंट में हूं कि ये जो ऑटोनॉमी का सवाल है, ये जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से एक्सक्लूजन, सरकार की जो एक्सक्लूजन वाली नीति है, न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी, जिसको सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलकर लाने की कोशिश कर रही है, बट एसेंशियली इट इज अ न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी, कि समाज जमहूरियत डेमोक्रेसी के आने के बाद समाज जिस तरीके से आगे बढ़ी है हमारे हिंदुस्तान में, उस प्रोग्रेस को रोककर वापस उसी परंपरागत एक सामाजिक ढांचे में सरकार देश को ढकेलना चाहती है, जहां सिर्फ कुछ खास चंद प्रिविलेज लोगों को शिक्षा ज्ञान प्राप्त हो सकता था, ज्यादातर लोग इसके एम्बिट से बाहर हो जाते थे, एक्सक्लूड हो जाते थे। ये एक्सक्लूजन की नीति, ये हम जिस तरीके से ये रिजर्वेशन रोस्टर पर अलग अलग मूव्स उठा रहे हैं, जिस तरीके से गेम खेल रही है ये सरकार, इसे हम साफ साफ देख सकते हैं। आज जिस संदर्भ में रोस्टर पर बात हो रही है, इस संदर्भ में एक और चीज आपको बता दूं, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, एक RSS बैक्ड संस्था है, समता आंदोलन समिति, राजस्थान में उनका दबदबा है, उन्होंने एक PIL फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि SC ST का जो रिजर्वेशन है, एंटाइटलमेंट है, उसको सिर्फ एक चंद सेक्शन ऑफ द SC ST तक लिमिटेड रखा जाए, वहां भी क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करके एक सेक्शन ऑफ SC ST को एक्सक्लूड कर दिया जाए रिजर्वेशन बेनिफिट से। काफी लोगों को ये बात लॉजिकल लगती,
देखिए सामाजिक न्याय, जिस आधार पर सामाजिक न्याय का विजन बना हमारी डेमोक्रेसी में, वो सोशल मार्जिनलाइजेशन के आधार पर बना। और सोशल मार्जिनलाइजेशन को इकोनॉमिक डिसएडवांटेज से इक्वेट कर देना, ये सामाजिक न्याय के विरुद्ध जाता है। जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है, पहले जेनरेशन से उनके पास रिजर्वेशन की चाहे बेनिफिट हो, लेकिन अब तक वो सामाजिक तौर पर इंटीग्रेट हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते। इतने प्रेजुडिस्ट समाज में अगर उस तबके को इस वजह से बाहर कर दिया जाए कि उनके पास पैसा है, कि वो क्रीमी लेयर है, सो कॉल्ड क्रीमी लेयर है, तो ये सामाजिक न्याय के पूरे एजेंडा को सबवर्ट करना है, सैबोटेज करना है। और यही सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इस सरकार का आइडियोलॉजिकल जो बेसिस है वो आरएसएस से मिलता है। तो आरएसएस एक तरफ से ये हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हम कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, दूसरी तरफ से उसी रिजर्वेशन पॉलिसी को अंदर से खोखला बना रही है, सैबोटेज कर रही है। और इसी वजह से जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल किया रिव्यू के लिए, वही यूजीसी एडमेंट है इस बात पर कि उसकी जो स्टैंडिंग नोटिफिकेशन है 5 मार्च का कि डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बने, उसको वो हटाना नहीं चाहते। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो रिजर्वेशन परसेंटेजेस हैं उन पर तो साफ साफ वार हो रहा है, लेकिन कौशल ने एक और बात की है कि ये सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी तबके तक ही लिमिटेड नहीं है ये अटैक। जुलाई में अगर नए रोस्टर के आधार पर अपॉइंटमेंट्स की बात उठती है और एग्जिस्टिंग एडॉप्ट टीचर्स का मास डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डूटा का जो समझ है परमानेंट अपॉइंटमेंट्स पर, हमारा एक बहुत खास समझ है कि परमानेंट अपॉइंटमेंट्स का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप कहीं से भी पैराट्रूप करके लोगों को इस यूनिवर्सिटी में परमानेंट बेसिस पर अपॉइंट करते। यहां जो एडहॉक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, टेम्पररी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा अधिकार बनता है परमानेंट जॉब्स पर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टूटा ने रेगुलराइजेशन का डिमांड रखा। अगर एक भी एडहॉक टीचर जुलाई में नए सेशन में डिस्प्लेस होता है रोस्टर के वजह से, तो डूटा के समझ के अनुसार शिक्षक समुदाय को आज ही ये प्रण कर लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगी, कंप्लीट शटडाउन हो जाएगी। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम रेगुलराइजेशन के डिमांड को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो नॉट अ सिंगल टीचर शुड बी डिस्प्लेस्ड। This is something that should be clearly told to the government by all of us who can understand the gravity of the situation. And our simple demand on the roster issue for now is that status quo on the roster should be restored till the Supreme Court properly reviews its decision. And we are optimistic that the Supreme Court will take a serious consideration of the review plea, because it knows review plea ne ye saaf saaf through examples dikhaya gaya hai, jitne sare universities mein naye roster ke aadhar par advertisement hue hain wahan dikh raha hai ki reservation percentages meet kisi bhi tarike se nahi ho sakte. To jahan constitutionally mandated percentages meet nahi ho sakte wahan Supreme Court ko reconsider karna padega. Lekin is dauran अगर सरकार ये डबल गेम खेलकर एडहॉक शिक्षकों को डिस्प्लेस करना चाहती है और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन लाना चाहती है, तो टूटा में एक्टिव हर ग्रुप को इस बात पर लामबंद होना पड़ेगा दैट वी विल नॉट टॉलरेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल करंट एडहॉक टीचर, एंड वी विल मूव फॉर अ कंप्लीट शटडाउन ऑफ द यूनिवर्सिटी अनलेस एंड अंटिल द गवर्नमेंट गिव्स अस इन राइटिंग दैट इट्स 5th मार्च roster notification stands withdrawn and status quo on the roster issue is restored till further notice.
इस फोकस के साथ हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, और इसके साथ साथ ऑटोनॉमी का सवाल तो जुड़ा हुआ ही है, हमारे तमाम और जितने डिमांड्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक पब्लिक फंडेड संस्था, अगर पब्लिक फंडेड संस्था जैसी चलाई जाएगी तभी जाके हमारी आवाज़ जिंदा रहेगी, हमारा सेव जिंदा रहेगा, हमारा पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बरकरार रहेगा। और हमारी अपील स्टूडेंट से दोबारा ये है कि आपने जिस तरीके से हिस्सेदारी की है, जिस तरीके से ज़बरदस्त लेवल्स में आपने पार्टिसिपेट किया है हमारे रैलीज और मार्चेस में, ये कंटिन्यू होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, और आपस में ये साझी भागीदारी के साथ ही हम इस शिक्षा व्यवस्था को बचा सकते हैं आम लोगों के लिए। The universities in India are for the people, of the people, and of course we can see that they are by the people, and that is how they should remain. Thank you.